दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर कोई हमारा प्री एग्जिस्टिंग टेबल है उस टेबल के अंदर कितने कॉलम है। अगर वो सारे कॉलम की अगर हमें लिस्टिंग करानी है, मैं यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे टेबल के अंदर की पूरे डेटा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कर रहा हूँ कि कॉलम के जितने भी नेम है अगर उसकी हमें अगर लिस्टिंग करानी हो, यानी कि उसकी पूरी लिस्ट हमें शो हो जाए उस पर्टिकुलर टेबल की, तो उसको हम कैसे यहाँ पे शो करा सकते हैं अपनी क्वेरी की हेल्प से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फेच करते हैं कॉलम नेम किसी टेबल के अंदर से। तो यहाँ पे अगर जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे टेबल का नेम आ रहा है। तो आप सेलेक्ट और भी तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट अगर कर लेता हूँ, जैसे कि पहले मैं ये लिख देता हूँ ताकि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो काम करे इस विंडो का। तो सेलेक्ट करते हैं हम कस्टमर की, देन उसके बाद से नेम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब इस तरीके से आप सारे अगर चाहें कॉलम एक साथ यहाँ पे फेच कर सकते हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम नेम तो आ ही रहा है, साथ में उसका डेटा भी आ रहा है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये है कि सिर्फ आपको यहाँ पे कॉलम नेम चाहिए, ना कि उसका डेटा, यानी कि टेबल के अंदर जितने भी कॉलम यूज हो रहे हैं सिर्फ हमें कॉलम का नेम चाहिए। तो उसको अचीव करने के यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो वही जो हमारा इंफॉर्मेशन जो स्कीमा करके था, जो स्कीमा ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा हमारा था सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट करके जो। तो इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पे कॉलम नेम किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे जो अपना मेथड है इंफॉर्मेशन स्कीमा वाला उसको हम यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा वेयर। अब इसके बाद से आपको यहाँ पे टेबल नेम देना होगा, वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू एन, देन उसके बाद से न्यू कस्टमर। तो हम इसको अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, अगर आप तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे जो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम करके आ रहा है इंफॉर्मेशन स्कीमा, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर हमें कॉलम निकालना था तो हमने कॉलम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जबकि हम यहाँ पे जब टेबल निकाल रहे थे, जब हम टेबल निकाल रहे थे तो हम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम हमें मेंशन करना होगा, तब जाके हमें यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट करके अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे इंटेलिजेंस आपको बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हैं। तो ये इन सारी चीजों को आप बारी बारी से यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपको शायद कहीं पे भी यूट्यूब पे भी या फिर कहीं पे भी ट्यूटोरियल साइट पे भी कहीं ना मिले। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करके भी सारी चीजें निकाल सकते हैं। और ये क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन, यही सारे ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं ये इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से अगर आप देख भी लेते हैं तो आपको उस टाइम पे याद आ जाएगा कि ये सारी जो चीजें हैं ये किस तरीके से काम करती है, इनको हम कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि सिर्फ अगर आपको इंफॉर्मेशन स्कीमा के बारे में पता है तो आप डॉट लगा के आगे की सारी चीजें देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स कर देते हैं, देन उसके बाद से अपना टेबल का नेम हमने मेंशन किया। तो हम अगर इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं जो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर यानी कि न्यू कस्टमर के अंदर जितने भी कॉलम थे उनका नेम यहाँ पे लिस्ट होके आ गया, यानी कि आप देख सकते हैं कि 7 कॉलम है, ये नंबरिंग भी उसकी आ गई। इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा टेबल है तो आप उसकी कितने नंबर आप उसके कॉलम है ये भी देख सकते हैं और साथ ही साथ उसका नेम भी देख सकते हैं। बाकी अगर उसके साथ डेटा हमें प्रिंट करवाना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा एप्लीकेबल है वहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एन करके, तो ये अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका ये जो क्वेरी है ये आपको सेम आउटपुट यहाँ पे दे देगा। ये जो एन का यहाँ पे जो पर्पस है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप डेटा टाइप के यहाँ पे वीडियोस देखेंगे, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे पता लगेगा कि एन हम वहाँ पे क्यों लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा पहला मेथड था कॉलम निकालने का वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन स्कीमा से निकाल सकते हैं। अब जो दूसरा हमारा मेथड था वो था सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें निकालने का। तो हम वहाँ पे इस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं अपने कॉलम का नेम टेबल के अंदर से, तो सिंपल हमको इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कॉलम नेम करते थे पहले, तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ नेम करना होगा। तो नेम, देन उसके बाद से फ्रॉम
सिस्टम डॉट टेबल, पहले हम करते थे टेबल का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, अब हम कॉलम निकाल रहे हैं तो हम सिस्टम डॉट कॉलम यहाँ पे यूज करेंगे। देन उसके बाद से हम किसी पर्टिकुलर किस टेबल के अंदर से ये सारी चीजें निकाल रहे हैं उस पर हमें यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट आईडी, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट आईडी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट आईडी। देन उसके बाद से हमें टेबल का नेम प्रोवाइड करना होता है, तो हम इसको मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सेम, और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा क्वेरी जो है ये भी हमें सारे जो कॉलम नेम है उनको निकाल के यहाँ पे देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कॉलम थे हमारे टेबल के अंदर सारे आ गए। तो आप ये तरीका, ये जो पहला इंफॉर्मेशन स्कीमा था और जो दूसरा सिस्टम ऑब्जेक्ट, इन दोनों की हेल्प से ही आप अपने टेबल के अंदर से जितने भी कॉलम है उनको आप निकाल सकते हैं, यानी कि उनका नेम प्रिंट करवा सकते हैं। तो आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को आप याद रख सकते हैं, वैसे दोनों ही सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है जो इसका एक तो सिंटेक्स, देन उसके बाद से इंफॉर्मेशन स्कीमा एंड सिस्टम डॉट उसका ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।